क्यों? सुनो मैथमेटिकली, सुनो मैथमेटिकली, ये बेटा दुनिया इधर को जा रही है, दुनिया इधर को जा रही है, अब तुम भी इधर को चलेगे, एंगल कितने डिग्री का बना? दुनिया इधर को जा रही है, उसी इधर को चलेगे, ऑन 50 डिग्री। एक इतना से गैलीलियो ने, आर्किमिडीज ने, न्यूटन ने दुनिया इधर जाने से की वो इधर जाने से वो 180 डिग्री का एंगल बनाते रहे हैं, इसलिए उनका नाम बुक्स से लिखा है। नाउ इमेजिन द पावर ऑफ पर्सन, एक पिज्जा लीन काउंटर ऑफ पिज्जा से चढ़ के कह रहे हैं लोगों रुक जाओ एक मिनट मेरी गल सुनो, वो कहते पागल है तेरी गल नहीं सुनी, कहता पागल है रोज चढ़े रहता है, कहता उठ जा आज मैंने पिज्जा में टावर से चढ़ गया, कहना देखो मैं इस हल्का पत्थर एक भारी पत्थर सिटूंगा दोनों इकट्ठे टिकन गए, भारी चीज पहला होगी कोई नहीं करता, कोई नहीं रुकता सीगा, पर वो अपने एक्सपेरिमेंट से इतना मस्त सीगा और उसको पूरे 100 साल बाद वर्जीनिया ने दिमाग में आया कि एयर रेजिस्टेंस करके एक्सपेरिमेंट क्यों हो गया, उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया और वैक्यूम क्रिएट करने के बाद एक खंभ एक बॉल दोनों उस वैक्यूम में सिटे दोनों बराबर थे आफ्टर 100 इयर्स। तो उस बंदे की इमेजिनेशन देखो क्या सी, एंड एवरी डे यू आर वाचिंग द सन, ਤੇ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਰੋਸ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਦੇ 7 ਰੰਗ ਦਿਸਕੇ ਵੀ ਨਾ, ਓਨਲੀ 1 ਪਰਸਨ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਹਰ ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਿਊਟਨ ਯੂ ਸਾ ਦੀ 7 ਕਲਰਸ, ਸਾਨੂੰ ਰੇਨਬੋਸ ਦਾ ਬੜੇ ਦਿਖਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਦਿਸੇ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਵਾਇਲਟ, ਇੰਡੀਗੋ, ਬਲੂ, ਗ੍ਰੀਨ, ਯੈਲੋ, ਔਰੇਂਜ, ਰੈੱਡ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਨੀ ਨਿਕਾ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਊਟਨ ਡਿਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਯਾਰ ਨਿਊਟਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਤਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ